पंचाननम प्रबल पंच, जो पांच मुख वाले हैं और जो पांच कर्म करने वाले हैं, भगवान शंकर के पांच कर्म मुख्य हैं, रचना करना, पालन करना, संहार करना, अनुग्रह करना और तिरुभाव करना, ये पांच कर्म है। आगे यही विद्येश्वर संगीता में आज ही हम लोग इसका विस्तार से श्रवण करेंगे, ये पांच कर्म कौन से हैं और भगवान शंकर ने किस किस के लिए कौन सा कार्य रखा है। इसी शिव पुराण में पहली संगीता में, विद्येश्वर संगीता में इसकी चर्चा है, हम लोग आगे इसका श्रवण करें। विनोदशीलम, बहुत आनंद से रहे, इतना सब कुछ होने के बाद भी जीवन का आनंद समाप्त नहीं है भगवान शंकर का। मनुष्य थोड़ी सी जिम्मेदारी मिल जाती है तो बावला हो जाता है, रातों की नींद चली जाती है, दिन का चैन चला जाता है, लेकिन जो भगवान शंकर संपूर्ण संसार का संचालन कर रहे हैं उनके लिए व्यास जी लिखते हैं विनोदशीलम, बहुत आनंद में रहने वाले हैं। मतलब क्या है? मतलब कहने का यही, यहां पर यही इशारा है कि आप सब कुछ करना, लेकिन सब कुछ करते हुए एक बात का ध्यान रखना, जीवन का आनंद नहीं जाना चाहिए। और जीवन का आनंद चला गया तो आपने सब कुछ भी कर लिया, वो किस काम का? बहुत से लोग गधे की तरह लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। किस लिए लगे रहते हैं? आनंद लेने के लिए। और कब आनंद लेंगे पता चलता है कि कल आनंद लेंगे, कल आनंद, कल अच्छा हो जाएगा, और इस चक्कर में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, आनंद ले ही नहीं पाते। आनंद कौन ले पाता है? जो हमेशा वर्तमान में जीता है वो आनंद लेता है। आज आपने आनंद ले लिया तो ले लिया, और सोचो कि आज हम इकट्ठा करें फिर कल आनंद लेंगे, ऐसे व्यक्ति कभी भी आनंद ले नहीं पाते हैं। आनंद लेने के लिए आपको वर्तमान में रहना पड़ेगा। एक राजा किसी दूसरे राजा के यहां गया, घूमने गया, तो उसे सोने के लिए बहुत अच्छा बिस्तर चाहिए होता था। अब वो वहां पर गया जहां पर उसके शयन की व्यवस्था थी, लेटा वो, लेकिन शयन की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ये गद्दा अच्छा नहीं है दूसरा लाओ, ये चद्दर ठीक नहीं है दूसरा लाओ, ये तकिया ठीक नहीं है दूसरा लाओ, ये खटिया ठीक नहीं है दूसरा लाओ, और ऐसे करने में ये गद्दा ठीक नहीं, वो गद्दा ठीक नहीं, ये चद्दर ठीक नहीं, वो चद्दर ठीक नहीं, ये तकिया ठीक नहीं, वो तकिया ठीक नहीं, ये खटिया ठीक नहीं, वो खटिया ठीक नहीं, और करते करते जब तक उसकी व्यवस्था होने को आई तब तक पता चला कि सुबेरा होने वाला है और अब जाने की बारी आ गई। हमारा मनुष्य जीवन भी ऐसे ही है, हम जीवन भर तैयारी करते रहते हैं कि आनंद लेंगे, आनंद लेंगे, आनंद लेंगे, और पता चलता है कि जब हम सब इकट्ठा कर पाए तो पता चला कि उस समय हम आनंद लेने लायक रहे ही नहीं, अब तो जाने की बेरा आ गई।